बार पहले खिंचवा ले Yeah.
तुम लोग पूछो भी सबसे अच्छा कौन सा लगा, देख तो लूं। मुझे पता था इसलिए मैं देख कर आया हूँ बराबर से। जी जी मैंने भी देखा ठीक से। मुझे सबसे अच्छा जॉन अब्राहम का लगा, वही इज फ्लाइंग बॉडी शॉट। बॉडी जॉन का बॉडी अच्छा है ही, मगर द वे द पिक्चर इज क्लिक्ड इट्स अमेजिंग, ही इज जस्ट फ्लाइंग इन द एयर। आई लाइक शाहरुख, आई लुक एट द इंटेंसिटी इन हिज आईज, या आई लव दिस पिक्चर। दिस का इंतजार के कैलेंडर के लॉन्च का इंतजार सब सभी से होता है आप लोगों को, एंड क्या कुछ कहना। मैं हमेशा डब्बू को मिलने का इंतजार करता हूं, वाइब इतना अच्छा है उसे मिलकर, इतना अच्छा लगता है, एंड आई लव द वे ही इज सो एंथो अबाउट डूइंग दिस एवरी ईयर। And just look at the work, yeah, he's amazing. मैं बोलना चाहूँगी डब्ल्यू आई सी भाई वंडरफुल शो, बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए साल में उनसे मिलना हो ना हो लेकिन ये मौका हम नहीं छोड़ते, एंड वी वांट टू मेक हिम फील स्पेशल। वी लुक एट द वर्क, वी वुड लव टू गेट हिम बाय। एंड डब्ल्यू आजकल फिटनेस में भी इंस्पायर कर रहा है मुझे। He's no, please recognize him. He's Dabur Adnani. He used to be 200 kilos earlier. Now he's 70. 80 something. Yeah. आपके बारे में सारे सेलिब्रिटी कहते हैं कि आप कब बॉडी बिल्ड कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन नया कमेंट मिला कि आपने अपना वेट भी कम किया। जी हाँ, पर अभी दो तीन साल से मैंने रियलाइज किया कि मैं जितना फिट रहूँगा उतने बेटर लोकेशन पे चढ़ सकूँगा, तो आई थिंक जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट फीलिंग गुड, आई एम एंजॉइंग इट, एंजॉइंग द जिम, एंजॉइंग फिटनेस। He's going to be one of the models next year. Thank you. No, he's judging the shows for the models, so he has to be fit. Okay, Sunita, आपको क्या ध्यान में आता है when you see Shahrukh holding a cup, as he inviting you for a coffee? Oh my, yeah, I hope he invites me for a coffee. Is it okay if I go for a coffee yeah, with Shahrukh? Yeah, with Mr. Khan, Shahrukh Khan, of course. जाओ, मेरा हाय बोल देना। John के pic को देख के कुछ याद आता है, अभी recently Mumbai में बहुत लोग कहीं बाहर से आए आपको India से और It just reminds me of a free flowing attitude, the way the pose is and the way it's clicked. इसलिए मुझे अच्छा लगा। Okay, apart from this, what happened? Professional plan. I'm just starting a new show now. Navrang Hire, it's starting on 2nd of Feb. So looking forward for that. हाँ जी? Yes. जी 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 जी. So because Bill Gates Foundation is involved, BBC London is involved, Swastik is involved, Viacom, so the setup is very good. I think so he's come to promote the cause. Ye show ek fun show hai, but with a cause. That's why I think he's come there to support us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
this one was. Can I steal this guitar? I have a guitar. Thank you. सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आई थिंक मणिकर्णिका एक फिल्म ही ऐसी है जहाँ पे सबको देखना ही चाहिए और सबको अच्छी लगनी चाहिए. सो आई थिंक ये अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं और इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं. जी आई थिंक डब्बू का काम ऐसा ही है जो सभी सारी चीज़ें अच्छी होगी. सो आई एम श्योर ये सारे बहुत अच्छे हैं बट इफ़ आई हैव टू गो चूज वन I think I like the Akshay Kumar one. I really like it. आपने एक पूछा था अभी उन पूरे पिक्चर्स में मुझे एक अच्छा लगा. अच्छा ऐसा है क्या? I think I like Aishwarya one. आई थिंक मैं हमेशा से देखती आई हूँ ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे कि सब लोग आते थे एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग हियर. सो आई रियली फील गुड आई रियली फील प्राउड टू बी हियर दैट्स इट. अब आप दुआ कीजिए ऐसा कुछ हो जाए मेरे लिए. बिल्कुल आई विश कि ऐसा ही हो. अब देखते हैं कब होता है. थैंक यू. जी सी आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग बेसिकली आई कांट से एनीथिंग क्योंकि मेरे सीन्स कंगना ने ही बढ़ाए थे और मैंने कुछ रीशूट नहीं किया है. मेरे जितना भी काम हुआ है कंगना ने बढ़ाकर मेरे लिए किया था. सो आई हैव नो कॉमेंट ऑन इट एंड आई थिंक कंगना हैज़ डन जस्टिस टू मी. थैंक यू. बाय मनीष. मैं चली जाऊँगी. नमस्ते कैसे हो? यार फीमेल पिक्चर में अगर कहें मुझे ऐश्वर्या मैम की पिक्चर बहुत अमेजिंग लगी. बहुत क्लासी. अगर मेल में बात करें अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम. जॉन अब्राहम की बॉडी तो है जी. मुझे वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा. जंप मार रहे हैं बिल्डिंग से माइंड में बहुत अच्छे लगे. यार डब्बू का कैलेंडर नंबर वन बड़ा स्पेशल है. इस बार 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. आई थिंक इट्स नॉट अ जोक. इट्स अमेजिंग और सब लोग वेट करते हैं देखते हैं. एक सस्पेंस बना होता है कि डब्बू के कैलेंडर में कौन फीचर करने वाला है. सो हर बार की तरह इस बार भी सस्पेंस था. सो इट्स नाइस टू सी सो मेनी ऑफ द कलीग्स ऑन द कैलेंडर एंड बहुत बहुत अच्छा बनाया. यार अभी तो मैंने इंडियन आइडल ख़त्म किया है और मैं चिल मार रहा हूँ. कुछ मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैं जिन पर काम चल रहा है और जल्द एक और शो के साथ भी वापस होगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाँ यार वो फेब में लॉन्च है. फेब में रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग. सो वो फिल्म का नाम है बंजर. इट्स अ शॉर्ट फिल्म
एंड तो उसी में सरदार का रोल था, तो उसके लिए दाढ़ी वाड़ी हुआ के प्रॉपर ऑथेंटिक. सो देखते हैं लोगों को पसंद आए. थैंक यू सो मच. थैंक्स. एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं अभी तक. आई वॉज जस्ट गोइंग टू सी. देख क्या हो गया? यार सारे शॉट्स बहुत अलग अलग है और काफ़ी यूनिक है. मेल्स में से देखो, आई एम बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन का, बड़ा फैन हूँ मैं. आई लव हिज क्लोजअप्स, ग्रेट शॉट. फीमेल्स में श्रद्धा और कृति, क्योंकि मेरे हीरोइंस थे इसलिए हम सेइंग दैट लिटिल बायस्ड. No, you carry on, chill. I think बहुत ही मज़ेदार रहता है ये दिन, खासकर क्योंकि यू सी सो मेनी कूल शॉट्स. आपके सारे फेवरेट सेलेब्स होते हैं इस कैलेंडर पे, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट दे डू. तो या शायद इस साल का थीम ये है कि थोड़ा मतलब सेक्स अपील को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे डब्बू सर, तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई. टफ किस में?
कंपटीशन तो है ही इंडस्ट्री में काफ़ी सारा. आई थिंक एवरीबडी इज़ जस्ट सो फिट एंड सो गुड लुकिंग, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है यू नो टू स्टैंड आउट इन जनरल. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कंप्लीट हो चुकी है सर. अभी फिलहाल मैं ऋतिक वर्सेस टाइगर के लिए शूट कर रहा हूँ. सो यार एक सपना पूरा हो गया है. और जब भी मैं मॉनिटर को देखता हूँ, जैसे प्लेबैक्स जैसे हम देखते हैं मॉनिटर पे, ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ. क्योंकि यू नो इट्स बिन चाइल्डहुड फैंटेसी वर्किंग विथ हिम. और जब भी एक हाई स्पीड शॉट हो या कोई एक्शन कर रहे साथ में, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला उनके साथ काम करने को इतनी जल्दी. Definitely there is a pressure because Baagi 2, I didn't expect it to you know do the numbers it did. तो उसको लेकर काफ़ी एक एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ चुका है बागी फ्रेंचाइज को लेकर खासकर. एंड नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो डूइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 विच इज़ अ वेरी बिग फ्रेंचाइज. धर्मा इज यू नो बेबी. सो आई एम स्टेपिंग इन टू 3 वेरी बिग स्टार्स इशूज अलॉन्ग विद माई को स्टार्स द न्यू ब्यूटिफुल गर्ल्स. सो यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस. इट्स अ बिग फिल्म एंड वी वॉन्ट द फ्रेंचाइज टू लिव ऑन. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. हाँ जी, किस में For Ritik, what have I learnt? काफ़ी चीज़ें सर. if I would say one thing, it would just be how to you know look at every detail. कभी Ritik सर बहुत सारे बहुत कुछ सोचते हैं हर शॉट को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत सोचते हैं. तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग हिज माइंड सेट एंड हिज थॉट प्रोसेसिंग in a scene or in a action sequence. So yeah. You know, I don't want to reveal any details. That might be a fun fact for you guys too. I don't know. If I say yes, then you know I don't want to reveal anything. But if I say no, I don't want to spoil anybody's expectations. Thank you very much. Thank you. स्पेशल है डब्बू रत्नान के कैलेंडर पर होना. इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ एंड दिस इज माय डेब्यू ईयर. या इट्स रियली लव, इट्स माय डेब्यू ईयर. सो आई थिंक इट्स ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन द कैलेंडर. एंड यू नो विद डब्बू ही इज डन माय फर्स्ट फोटो शूट एवर, माय फर्स्ट पोर्टफोलियो, माय फर्स्ट फिल्म पोस्टर शूट. सो ऑल माय फर्स्ट टाइम विद डब्बू. वेट, या इट्स माय शॉट. Yeah.
Thank you.
Between Farhan and Tiger for me. Yeah, I think I like, actually I like all the pictures to be honest, but it's a tie between Farhan and Tiger. Okay, I again like all of them, but I like all of them, but I think Shraddha's is very different. So I love that.
हमेशा अच्छा ही रहता है. मैं आप सब बोर हो गए होंगे क्योंकि हर साल मैं कहती हूँ कि मज़ा आया, पर सच में डब्बू के साथ मज़ा आया. और वी आर डूइंग इट फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर ईच टाइम. आई थिंक इट्स जस्ट द ईजीएस्ट शूट ऑफ द ईयर ऑलवेज. कुछ नया मैंने ट्राई किया थोड़ा सा एक सिवियर लुक देने का. और टाइम तो लगा, आई थिंक 2-2.5 घंटे लगे शायद. हाँ 2-2.5 घंटे लगे. सो यू नो मोर पावर टू माई हेयर स्टाइलिस्ट शलाका भोसले. I just think it's, I really don't think it's like the dirty picture. I think it's a bit severe, not severe, I think it's a bit sharp, something I haven't done before, so I'm excited about it. So let's hope 2019 is a really sharp year for all of us. In the, there's a Mission Mangal releasing on the 15th of August and some other announcements which I will make very soon. I'm also making my Tamil film debut. Yeah, but it's a special appearance in Boni Kapoor's Tamil film starring Ajit. Yeah, thank you. जी दब हम हमेशा बहुत बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. हर साल मैं यहाँ होती नहीं हूँ. सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग, मैं भूल गई. हाँ हमेशा इंतजार रहता है पर हर बार मैं बॉम्बे में नहीं रहती. आई एम ग्लैड आई एम हियर दिस ईयर. मैं बस ये दिखा दूंगी. One of my favorite designers. He's a lot of fun. I like tigers and Varuns, I think. Yeah, tiger and Varun. More fun. Female. I think Ale is pretty. You know, पूरे साल टेबल पर एक ही कैलेंडर होता है, दैट इज दबूज कैलेंडर. सो इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस एवरी ईयर इन जनवरी की पूरे साल व्हाट ऑल फेसेस आई विल बी सीइंग. आप दबू से पूछिए, आपको दबू से पूछना चाहिए. ही इज द मैन. I don't
don't think I can give Vidya competition in any space. She's way too good and way too senior for everything. But and I had missed this because it's in the corner, but I think she's looking really, really hot. Right? You will know soon once I know. नहीं नहीं हॉरर नहीं होगा रोमांटिक हो सकता है थैंक यू सो मच या है उनको पूछना पड़ेगा हाँ हमेशा की तरह इट्स ऑलवेज बीन फन सबसे मुझे सोनाक्षी की पिक्चर आई लाइक सोनाक्षी पिक्चर एंड इन द मेल पिक्चर्स एक्चुअली लाइक अक्षय से हाँ मैं मेरी एक हमेशा एक फैंटेसी थी कि मैं फिल्मों में आई डांस अराउंड ट्रीज ऐसा कभी हुआ नहीं तो फोटोशूट में सोचा कि कुछ कर ही लेता हूँ पेड़ के साथ फिल्मों में वो ऐसा करना पड़ता है
I see. How sweet. Thank you, Vidya. Thank you. How would I know? Yaar? You'll have to ask her. Na? ये क्या बात हुई? How would I know? ये तो आपको विद्या में पूछना पड़ेगा. नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं होता. चलिए और कुछ सवाल? नहीं, सोच रहे हैं आप बहुत अभी. चलिए, थैंक यू, थैंक यू. Do you think it's a very good start, and I'm really happy and excited to be a part of Dabbu Ratnani's calendar. This is my debut shot, and whenever you come to Mumbai, whenever you enter Bollywood, Hindi cinema, you always
feel like there's a list, and you know, Dabbu Ratnani's calendar shot is one of the major things in that list, and it's a checklist for me, and I'm really happy that I'm a part of it, and it's a very good start for me. The list is amazing. G. Sir, I feel really proud. I'm really happy, and I mean, it's this calendar comprises of all the wonderful people from our fraternity, and the biggest of names are there in the calendar. I'm so blessed that I'm a part of it. Finally, it's taken long, but finally I have debuted in his calendar, and I'm so happy with the shot that he's taken. It's amazing. How you reacted when Dabbu asked you to be a part of his calendar? How you reacted? You got emotional when he asked you to be a part of Dabbu Ratnani's calendar? Yeah, I got really happy. I mean, it was a great great opportunity for an actor to be a part of something like this. Dabbu Ratnani's calendar is something which also brings the whole industry also closer. You know, I mean, so many actors, so many performers in one calendar is a big thing, and it's one of its kind. So being a part of it was again excitement, was like an exciting thing for me, and I got really excited when he asked for the shot. Huh? Photo. मेरी अक्षय कुमार सर की है. फीमेल में आई थिंक जानवी की फोटो. थैंक यू सो मच. व्यूअरशिप फिनोमिनल व्यूअरशिप हुई है लुका छुपी के ट्रेलर की, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं उसके ट्रेलर. आई होप फिल्म जब आए तो वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे ऐसे जैसे ट्रेलर ने ब्रेक किए. एंड थैंकफुली आपका भी रिस्पॉन्स जब हम लोग ने ट्रेलर लॉन्च किया था, मीडिया का, ऑडियंस का, सबका बहुत बड़ा रिएक्शन आया था. इट्स अ फन फिल्म, कॉमेडी फिल्म है, ट्रेलर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आई एम श्योर फिल्म भी अच्छी लगेगी. कल गाना लॉन्च हो रहा है, पोस्टर छपवा दो बाजार में, अक्षय सर का गाना है एंड उसको इस फिल्म में लिया गया है. तो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं अक्षय सर का, और कल उनके गाना लॉन्च हो रहा है. आज रैपअप पार्टी भी है, इसके बाद मैं लुका छुपी करके वहाँ पे रैपअप पार्टी में जाऊँगा, एंड आई विल बी विद डीनो एंड कृति एंड द होल टीम ऑफ लुका छुपी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yeah.
Yeah.
As well, I think it's really gorgeous. Wow. Okay, I have to check out the guys. Wait. नहीं कुछ ऐसी बेसब्री से इंतजार नहीं होता पर डब्बू और मनीषा मेरे दोस्त हैं और ये एक ट्रेडिशन है जो हमेशा होता है हर साल. ये साल ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 20th anniversary है. It's really nice to be here and always support them. They've always been there for us. I'm just happy for them. Sorry? मैं एक्साइटेड हूँ. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी द लवली पिक्चर्स दैट डबो क्लिक्स एंड टू सी व्हाट्स गोना बी यू नो दिस ईयर यू नो इन द कैलेंडर. ऑफ द गाइस आई हैव टू से आई रियली लाइक जॉन. आई थिंक इट्स वेरी कूल. हाँ अच्छा लगा मुझे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Okay, so my favorite photo female is Sonakshi, क्योंकि उसने जो इतना cool चश्मा पहना है ना, she looks awesome और मैं खुद एक चश्मों का दीवाना हूँ. Favorite female? Yeah. Sonakshi, because she's a friend and I love her as a human being, so basically she's my favorite. And ladkon mein Bachchan saab, because unke jaisa handsome. Who copied me? Maybe he's an amazing human being and he's a fantastic. Wo all rounder stylish aadmi hai, abhineta hai, and he's my favorite. He's my favorite too. Ye 10th saal hai, ha. हमारे बच्चे 10 साल के हो गए. सीरियसली बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट डब्बू को हम बहुत पहले से जानते हैं. मेरा पहला फोटोशूट डब्बू ने किया था. ओह गॉड दैट वाज क्रेजी. आई थिंक ऑलमोस्ट 18 साल पहले हम बच्चे थे तब. अगर ये बच्चे थे तो हम बच्चों के बच्चे थे. सो डब्बू आई नो. सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद डब्बू. सीरियसली विश यू ऑल द बेस्ट. लॉट्स ऑफ लव. We are not ready. We are ready. Chalna. Inside the house. Yes, male and female. बहुत सारे यार बता सकता हूँ यार. I like Shahrukh. I like Kartik. Akshay. Varun. Of course. Alia is there. Tiger Shroff is there. So I like all. Ma'am. Male, female, best picture. शाहरुख खान चीजें शाहरुख है. वहाँ देखे अच्छा यहाँ देखे. ओके हाय. ये पूछता इधर है देखे उधर कैसे है. हाँ क्या चाहिए. बहुत अच्छा लगा. एवरी ईयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट्स नाइस. मज़ा आता है. अच्छा लगता है. बहुत सारे आ रहे हैं. अभी सबसे बेस्ट है कलम. वेब सीरीज चालू हो रही है. मेरा ख्याल है भाई मार्च इट विल रिलीज. कर ले तू भी मोहब्बत सीजन 3. एक ऑन एयर है, लाइव है, इन्वेस्टिगेशन है रॉस नाउ पे. सो दैट्स गोइंग ऑन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
So this is like we have to move ahead. Is there a queue for that? Yeah. Side mein chalo. We'll give them a chance to talk. अच्छा ही रहा है, मेरा ये चौथा साल है आई थिंक, और डब्बू का 20वां साल है।
which is amazing. But I think for me, Dabu Ratani's calendar is always special because जब मैंने मॉडलिंग करना शुरू किया था तो डब्बू ने मेरा पोर्टफोलियो पहला पोर्टफोलियो वॉज डन बाई डब्बू रत्नानी एंड दैट टू आई वन थ्रू सम कॉन्टेस्ट क्योंकि आई कुड नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो बाई डब्बू रत्नानी सो आई हैड एक्चुअली गॉन थ्रू अ कॉन्टेस्ट and I'd won that and he done my portfolio as a winning prize. So uske baad to be on his calendar fourth time now is really amazing and I think every time you know we try to do something different from the last shot try to beat what we've done already so it gets very tricky lekin is shot ke liye Dabu ne mujhe subah 5 baje uthaya hai aur 5 baje uthkar ठंडे पानी में डाला है तो हम लोग वी गो थ्रू अ लॉट फॉर हिम बट देन ही मेक्स अस लुक सो गुड एट 5 एएम इन द मॉर्निंग सो नथिंग लाइक इट मैं सच बताऊँ तो मैं ये बच्चों के पूल में हूँ अभी क्योंकि लेवल वाटर का कम होता है तो मैं बैठ पा रही थी वहाँ पर तो मैं एक्चुअली किड्स पूल में हूँ यहाँ पर एंड पोस्ट के बारे में क्या बताऊँ मैं चिल कर रही हूँ सी ऑफकोर्स यू नो ट्रेलर आई थिंक आपकी फिल्म की एक झलक होती है तो अगर लुका छुपी की झलक लोगों को पसंद आई है एंड एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल हैज़ बीन फैबुलस इट्स टच ऑलमोस्ट 50 million व्यूज ओवरऑल एंड दैट्स आई थिंक मैसिव इट्स मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड एंड इट्स फास्टर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड सो Yeah, people are loving it and I'm really glad because that's exactly what the film is. And I'm really hoping they love the film also as much. Can't hear you. Yes, yes, yes. Yeah. We wrapped up a few days back but that time we could not do a party and it's almost like a celebration for the entire crew. Sabne bahut mehnat kari hai aur अब जब ट्रेलर भी बाहर आ चुका है एवरीबडी इज लाइक रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स इट्स समथिंग दैट वी जस्ट वांट टू सेलिब्रेट टुगेदर ये बस सेलिब्रेशन है रैप पार्टी नहीं करिए तो ये लेट रैप पार्टी है बट या इट्स जस्ट ऑल ऑफ अस टुगेदर टू हैव फन दैट्स ऑल I'm both, yeah. I think you're always nervous and I'm also excited because, you know, the audience is connecting with the concept. They're liking the whole concept. So, yeah, I'm also very excited. I want to see how they actually react to the film. Like, this is a film jisme main gate hi jaake dekhna chahungi ki log kaise react karte hain. Abhi, video aise dekhte hain. इसके अलावा यू मीन ओके अपार्ट फ्रॉम हर आई लाइक कियारास पिक्चर अ लॉट कियारास पिक्चर आई लाइक आलियास पिक्चर आई लाइक कार्तिक्स पिक्चर इट्स एक्चुअली वेरी नाइस I even like Akshay sir's picture. I think it's really cool. Yeah. Trailer dekha matlab maine aap sabse pehle trailer dekha. Bahut acha laga. Aap sabko kaisa laga? Shaadi dekhi aapne? Inki shaadi trailer launch pe aapne inki shaadi kar rahe ho. Oh, oh. Aap the wo. These questions will answer later. Huh? There's nothing that I want to like that I can talk about right now. Later, maybe. Shh.
she is my mentor in general life also. It's not about this career. I think you always look up to your elder sister or elder brother always. So yeah, she's always generally been my mentor. Like, I take tips from her. She sometimes feels like I'm choking. Also, it's better now. You learn from your elder sister's mistakes. Mistakes? नहीं ऐसा नहीं डरा के नहीं रखती है बट आई लर्न फ्रॉम लाइक देर आर सर्टन मिस्टेक्स दैट मे बी शी वुड हैव मेड दैट शी गाइड्स मी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा हमारा देखा आई थिंक दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू डबू सर एंड मनीषा मैम दिस इज द 20th कैलेंडर दे हैव गॉट 20 इयर्स एंड इट्स क्रेजी स्टिल आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है कितना नया है आप 20th एडिशन एंड इट्स नॉट सो इजी एंड इट्स अमेजिंग आफ्टर आई हैव वर्क्ड विद हिम लास्ट मंथ तो मुझे पता है कि वो कितना हार्ड वर्क डालते हैं एंड यू नो इट्स जस्ट वेरी गुड जॉब दैट्स अमेजिंग ऑल द स्टार्स आउट देयर Who all are there in the pictures? They must have perhaps got millions of pictures taken. But this is the USP of Dabu's, perhaps Dabu's work. And when he clicks a picture, he makes it look so fresh and so new that you feel that you've never seen a picture like this before. So I personally, I love Anushka's picture. I love the way that picture has been taken. And yeah, it's pretty exciting to be here. Mine, Anushka's. Yeah, very good. Who's there? Alia and Anushka. Kartik is looking cute and Ritik is looking hot. I think for males also, I would be saying that Ritik sir is looking very nice, amazing, as always. And yes, Kartik has done a great job with the, like he's looking amazing and very fresh again. And Tiger's body is looking out of the world. So yes. What do we do? What? That's Karan. That's Karan over there. I think we're done. Okay? Yeah. Done. Yeah. We're coming. Right. Thank you so much. I like you. Fabulous. Look forward to this amazing showcase of art. Tunu,
मेरा गाना देखा अपने YouTube पर जी. As a producer artist, I'm working on back-to-back music singles, music videos, web series, short films, and inshallah a feature film. बहुत ही amazing story idea है. ज़्यादा बताऊँगी तो director नाराज़ हो जाएंगे. It's an amazing story idea. It's a biopic. मेरी यहाँ पर फोटो ना होने के बावजूद हम यहाँ पर हैं, ये इस बात का गवाह है कि हम बहुत बड़े हिमालय. थैंक यू, थैंक यू. बहुत मज़ा आता है, बहुत इनोवेटिव होता है उनका हमेशा कॉन्सेप्ट, अलग अलग होता है हमेशा. तो एवरीबडी स्टिल यू नो लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग द कैलेंडर शूट, कितना इनोवेटिवली करते हैं एवरी ईयर. बहुत कुछ देखेंगे आप, गुड वेब सीरीज आर कमिंग, गुड फिल्म्स आर कमिंग, सो लेट्स सी. आई मीन डिसाइड करना बाकी है कि विच वन टू टेक, बट इट्स ऑल गुड वर्क. 2019 मैं जल्द बताऊंगा, जल्द आपको बता दूंगी. मैंने या आई थॉट नाइट है तो सिल्वर एंड ब्लैक इज द कॉम्बिनेशन, तो आई एम जस्ट वेयरिंग सिल्वर एंड ब्लैक. थैंक यू. ये यू नो ये वो एनुअल इवेंट है जिससे ऐसे लगता है कि साल की शुरुआत हुई है. इस बार ये लोग थोड़ा लेट हुए और मुझे लगा साल शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बट यू नो इट्स फाइन दैट इट्स फाइनली स्टार्टेड. एंड लाइक आई सेड, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू मीट एवरीबडी. गुड फन. फसवाओगे? My favorite picture here is Mr. Shah Rukh Khan, the black and white with the cup. I have, I'm a little biased to black and white shots. They look a little cooler, a little artistic. Black and white shots are always nice. For the women, ooh, so tough. I like Alia's. It's a simple, pretty portrait picture, but it's really nice. अभी दो शोज़ कर रहा हूँ, उसमें से एक की शूटिंग ख़त्म हो गई, दूसरे का डबिंग चल रहा है. वन इज़ कॉल्ड मैरी मी स्ट्रेंजर एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन सीजन 2. दोनों बहुत जल्द आ जाएंगे. लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन March 1st को रिलीज़ हो रहा है ऑन व्यू, सो डाउनलोड द ऐप इफ़ यू डोंट हैव इट नाउ. सीजन 1 वॉज अ ग्रेट हिट ऑन द ऐप एंड सीजन 2 इज़ बिगर, बेटर, नाइस. नहीं, मेरे ब्यूटीफुल अटायर का कुछ नहीं है, मतलब कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है क्या? अच्छा, आई नो.
तो ब्यूटीफुल अटायर के बारे में कुछ नहीं है, मैं ऐसे अलमारी खोलता हूँ और देखता हूँ अरे ये बहुत दिन हो गए ये पहना नहीं, और वो पहन लेता Khan. Yes, all time favorite. All are stunning man. Everybody from Aishwarya to Sunny, everyone. Anushka, Alia, everyone. Girls are looking pretty, prettiest. I like Varun. Yeah, and Shahrukh. Because मैंने सनी, because मैंने सनी के साथ काम किया है, तो हमेशा मेरी प्रेफरेंस सनी रहेगी, सनी रूलिंग रहेगी. Okay, I think. बहुत आराम से recently मानेवर के लिए शूट किया था, तो डब्बू ने हमारा शूट किया था, तो he's awesome like. उससे ऊपर मुझे लगता नहीं कि कोई और शूट करता है यहाँ पर. एंड योर जर्नी इज इनकम्प्लीट इन मुंबई अगर आपने डब्बू से शूटिंग कराया. एंड या आई स्टार्टेड बाय आई डिड माय फर्स्ट शूट इन मुंबई विद डब्बू एंड देन आई डिडंट लुक बैक आफ्टर दैट. इट इज ऑलवेज ए मनीषा एंड डब्बू, दे बोथ आर सो स्वीट हार्ट एंड यू नो इट्स अमेजिंग टू बी विद देम. यू नो वी हैड सो मच ऑफ फन विद देम. दे आर सुपर क्यूट, लाइक दे आर सो डाउन टू अर्थ. एंड जब उनसे पहली बार मिलो तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बार मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और कुछ ऐसा. हमारा तो सब कुछ लास्ट मोमेंट में ही होता है. और एक्चुअली मेरा शूट था, मैं जाने वाला था, तो मैंने बहुत बोल बोल के मैंने कल का पोस्टपोन कराया सिर्फ डब्बू के लिए कि हमने डब्बू के यहाँ आना था. तो लास्ट मोमेंट में अपना कबोर्ड चेक कर रहा था कि मेरे पास क्या पड़ा है, अच्छा मैं क्या डालूँ जो मैंने अभी तक डाला नहीं है. सो दिस अ लुक जो मैंने खुद ही एक बनाया है. ऑब्वियसली मेरी स्टाइलिश यही है और मेरे गानों के भी शूट यही करती है. नो आई थिंक इसके ऊपर सब अच्छा लगता है, व्हाटएवर ही वेयर्स. नो तो हमेशा मैं बोलती हूँ आई गेट कंफ्यूज लाइक मे बी मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ. सो या इट लुक्स गुड इन एवरीथिंग. बहुत बहुत बार हमेशा मैं 90% मैं ही करता हूँ, कभी नहीं अच्छा लगा, कभी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और ट्राई करूँ. सो या हम करते हैं. यस अभी हमारा 2019 में गाना आया था, अभी मेरे रोडी स्टार्ट हो रहा है मेरा नेक्स्ट मंथ से, और उसके बाद मेरे 3-4 गाने रिलीजिंग पे हैं वो हो रहे हैं. देन मैं पंजाबी मूवी कर रहा हूँ बहुत जल्दी, वो मेरी उस पर स्टार्ट हो रही है. सो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं. मेरी 3 फिल्में हैं, एक अभी है वन बायोपिक जो अभी जल्दी रिलीज होने वाली है. या वन बायोपिक एंड आफ्टर दैट आई हैव टू मोर फिल्म्स. वन इज फिल्म ऑन कॉमेडी, one with Mahesh Manjrekar. So I'm looking forward to this year, very very excited and yeah very happy. अभी वी आर वर्किंग लाइक अभी हमने अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा और पैसा कमा रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन आराम से बैठे खाए चिल करे. यस महीने वाला प्लान करेंगे अपनी लाइफ में. अभी तो हम घूम रहे हैं यार, अभी तो हमने अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है. Thank you so much. Thank you. Ali
Well, I think all of them are really hot, and everyone is hot in their own way. So I can't really choose which one is hotter. And yeah, I think they're all looking fabulous and hot. In the beginning, as because we worked together and we did a couple of shoots when I was a model and when I was modeling, and I know him as a family now, so I love his photography, and he's one of those photographers that he makes us so comfortable while shooting with him, and it's always really fun to shoot with him. Well, I'm coming from a meeting, so I'm wearing my office pants. And to make it a little bit look sexy, I've got rid of the shirt and I've just put a jacket on top of my bra. So there you go. Yeah. Thank you, guys. Thank you so much. What is the sweeter meal that I have to do that? What is the sweeter meal? I'm a Hrithik Roshan fan, so Hrithik Roshan. Again, an Ash. बहुत स्वीट आदमी है, बहुत अच्छे, ये इनकी वाइफ मनीषा हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के साथ साथ में अपने बिहेवियर की वजह से भी आगे बढ़ते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनका जिनकी गुडविल, जिनका बिहेवियर, जिनकी सिंपलिसिटी, मैं इनके साथ भी आई वाज डूइंग द फोटोशूट विद देम पूरा टाइम. मनीषा वॉज ऑन द क्या बोलते उसको लाइव, हाँ, तो मेरा पूरा सेशन उसने लाइव कर दिया, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर. तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, एंड आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर द रत्नानीस. पर अभी भी वो बदले नहीं है. डब्बू वैसे ही हैं जैसे वो पहले उसमें थे. वेरी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आता है, कभी कभी आता है वो ऐसे, बट इज ऑलवेज वेरी शाई, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, एंड कामयाबी से उनका सर नहीं घुमा, बहुत अच्छी बात. थोड़ी देर में मेरा अभी कल गाना आया था
अपना इश्क की गली में वो गाना आया था मेरा, अभी इस पर शूट हुआ था। 21 फरवरी को मेरा गाना आ रहा है बेले बेले यार, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में उनकी लाइफ और कैसे भी टीचर्स यूज़ करते हैं, वेरी यंग सॉन्ग। देन आई हैव अ टूर इन अमेरिका, मैं और नेहा कक्कड़ अमेरिका जा रहे हैं अप्रैल में, बहुत बिजी। थैंक यू सो मच। Started way back in 1999, where I, in December 1999, where I decided, okay, Y2K, new millennium, let's celebrate with dates. And I came out with a calendar which was with 12 stock pictures which I had shot, and it was only women that time. And the way it was received and the response I got and the work that came in, and being the first calendar of the industry, I got a great response to it. And then from the following year, I actually started shooting a conceptual calendar, and 12 boys, 12 girls, and after that there was no looking back, because you know, the actors, the way they reacted, then slowly the media started supporting me, you know. In those days, a photographer was not even given so much importance. So today I'm happy that, you know, we all photographers are, at least photography is a great career option which has branched out in these 20 years that I've seen, you know. So I think it's been a great run for me. I've enjoyed what, I'm thankful for all the actors to do this for me, you know, being the only non-commercial thing I think that they do in the full year. So I'm happy, I'm really, really, you know, all the support we received today. Okay, the turning point, I would say the turning year for you, which year you considered as the turning point in your career, you know? I think turning part of my career, I would say, was between 94-95, where I branched out on my own, and this year I'm celebrating 25 years of being in the industry, which is going to be this full year. So hopefully the next calendar will be a bigger celebration. And you know, I think when I started my career as a photographer, the kind of work that I did was very different from the other film photographer work, because most of the work that I used to see those days were indoor, very you know, set kind of pictures. I shot them outdoor, I shot them on the street, I shot them walking, very much my style, you know. So I think there was a good change, and people noticed that change. So a lot of people started calling me, rather than me calling the actors through the magazines, actors started fixing up shoots and say, okay, I want to shoot with Dabu. So I think over the years, people started enjoying my style of work. You know, you with any star you remember. My what? Your fan moment with any star you remember. You know, somebody called you up, Dabu, Mr. Bachchan. Yeah, I think Mr. Bachchan and Aishwarya were two people who I can say I had a fan moment with, because as a assistant photographer, when Ash became Miss World, and everybody was talking of how beautiful she is. So when you shot Aishwarya Rai Bachchan, it was like
you've arrived as a photographer, you know. So it was one moment, and then of course before that was shooting with Mr. Bachchan, where I was tremoring with double my heart rate for the first time, and me like 18-20 year old boy telling Bachchan saab, ye pehen lo, I'm choosing his clothes, ye pehen lo, you know, never imagined that would happen at such a young age. So at that point I think it was a huge fanboy moment. I can't decide, but one picture which people strikingly remember is a Hrithik picture where he was falling into a pool and he was holding a newspaper and he fell with the same expression, and before he hit the water I clicked the picture. So I think that picture people still remember. Thank you. Yeah, man, we just thank you. Yes, yeah, we should definitely continue. Yes. Hanji. यार एकलौता ही कैलेंडर है जिस कैलेंडर का इंतजार होता है, एंड आई थिंक 20वां साल है, इट्स 20th, सो आई थिंक इट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. Kamal hai aapke peeche, you've seen the kind of work that he does, it's, aur hamesha se it's been outstanding, and I've been a fan always, and yeah, so it's great. What is your favorite? Amit ji ka wo jo telephone booth wala, I really love that. I love that for some reason. I've really liked Sonakshi's picture. I really like Sonakshi's picture, but apart from that, Alia. Yeah. Outstanding. Beautiful. Hanji. Why wouldn't I, man? Why wouldn't anybody? I mean, you know, being clicked by him is such a good feeling. So, yeah, definitely. What happening on professional front? Sorry? What happening on professional front? Oh, quite a few things, man. Quite a few things buzzing. Quite a few things happening. 2019 is going to be rocking. And it's going to be as amazing as I think it will be. So, yeah, I'm hoping for the best and crossing fingers. Thank you very much, guys. Thank you. Start.